लगता है आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, ये देखिए ये हमारे पास जो सारा आपको डाटा नजर आ रहा है, सारा गिफ्ट फोल्डर है, ये सारा ओवरसीज का है, कंट्रीज के अकॉर्डिंग मैंने बनाया। ये देखिए ये ईरान का है, ये दुबई का है, ये आपको मिल जाएगा कतर और बहरीन के सारे इस्लामी ममालिक हैं, ये कनाडा का है, ये हमारे पाकिस्तानी का सारा डाटा हमारे पास मौजूद है, सिटी वाइज कंट्री वाइज मैंने सारा जो है वो डाटा रखा है। ये जी अमीर हो गरीब हो, देखिए आजकल तो लड़कों की वैसी ख्वाहिश होती है जी हमें दूसरी करनी है तीसरी करनी है, तो बिल्कुल हम उनके अकॉर्डिंग रिश्ते करवाते हैं, जो उनकी डिमांड है उनके हिसाब से उनको रिश्ता दिखा देते हैं, फिर दोनों फैमिलीज देखती हैं मिलती हैं, अगर उनको पसंद आता है तो वो कर लेते हैं, पूरा हम उनकी छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है, और तब तक नहीं ओके करते जब तक हमारी अपनी तसल्ली ना हो जाए, क्योंकि वो हमारी भी बेटियां हैं। ठीक है, हमने किसी को गलत चीज़ नहीं बतानी, हमारा मकसद पैसा लेना या पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है अच्छा रिश्ता करवाना, अच्छी जगह उनका रिश्ता हो और वो खुशहाल जिंदगी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत, हमारे साथ रॉयल मैरिज ब्यूरो की ऑनर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये कब से काम कर रही हैं और किस तरह के रिश्ते इनके पास मौजूद हैं और अब तक ये अपनी ज़िंदगी के अंदर कितने रिश्ते करवा चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बताइएगा कि कब से कितने अरसे से इस फील्ड में हैं और कितने रिश्ते करवा चुकी जी मुझे तकरीबन 10 साल हो चुके हैं मैं हैं। अप्रोक्सीमेटली, और मैंने काफ़ी रिश्ते करवाए हैं पाकिस्तान से अंदर भी और बाहर भी, डिमांड होती है लोगों की, जिस तरह की वो डिमांड करते हैं हम उनके अकॉर्डिंगली उनको रिश्ते करवाते हैं। हमारे देखने वालों में इसको रिश्ता करवाना चाहते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है और फीस कितनी लेती हैं फीस हम बहुत मुनासिब से लेते हैं, देख लेते हैं कि वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं, उसके आप? अकॉर्डिंग लेते हैं, हम किसी को बर्डनाइज नहीं करते। बाकी हम ये देखते हैं कि फैमिली को हमने मिलवाना है, पूरा हम उनकी छानबीन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती है, और तब तक नहीं ओके करते जब तक हमारी अपनी तसल्ली ना हो जाए, क्योंकि वो हमारी भी बेटियां हैं। ठीक है, हमने किसी को गलत चीज़ नहीं बतानी, हमारा मकसद पैसा लेना या पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है अच्छा रिश्ता करवाना, अच्छी जगह उनका रिश्ता हो और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। अच्छी तरह छानबीन करते हैं, एक एक चीज़ पता करते हैं, किसी भी शहर में है, किसी भी मुल्क में, हमारी पूरी टीम्स वहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पहले अच्छी तरह पता करते हैं और फिर हम गो हेड करते ऐसे हैं। हजरात जिनके पास फीस नहीं होती, उनके लिए क्या करती हैं आप? हम उनके रिश्ते भी करते हैं, हमारा मकसद जैसे मैंने आपको बताया पैसा कमाना नहीं है, हम फी सबीलिल्लाह भी रिश्ते करते हैं, बहुत सारे हमने ऐसे रिश्ते करवाए हैं जिनके पास नहीं है, जो उस इस्तेमाल उनकी नहीं है, वो नहीं दे सके तो हम करवा देते हैं, कोई मसला नहीं। तो मैम बताइएगा, जैसा कि आजकल हमारे माशरे में रुझान है कि काफ़ी लड़के हैं जो ऐसे जो जल्द अमीर होना चाहते हैं और अक्सर उनकी ख्वाहिश होती है कि बेशक उन्हें ज़्यादा एज वाली लड़की भी मिल जाए लेकिन अमीर हो, ऐसे रिश्ते भी आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे रिश्ते आते हैं और लोगों की ख्वाहिश होती है, और लोग हमें बिल्कुल सीधी साफ बात करते हैं कि जी हमें ऐसा रिश्ता चाहिए। भी रिसेंटली मैंने एक डिफेंस की खातून का रिश्ता करवाया है, काफ़ी अमीर हैं वो और उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, पीछे से कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि भाई उनको एक यंग लड़के किसी उसकी उनकी शादी हो जाए, तो डेफिनेटली हमने उनका प्रपोजल करवाया है एक लड़के के साथ, माशाल्लाह बड़ी खुशहाल ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैम ऐसे रिश्ते भी आते हैं कि जिनकी एज ज्यादा होती है या वो सेकंड मैरिज करना चाहते हो? जी अमीर हो गरीब हो, देखिए आजकल तो लड़कों की वैसी ख्वाहिश होती है जी हमें दूसरी करनी है तीसरी करनी है, तो बिल्कुल हम उनके अकॉर्डिंग रिश्ते करवाते हैं, जो उनकी डिमांड है उनके हिसाब से उनको रिश्ता दिखा देते हैं, फिर दोनों फैमिलीज देखती हैं मिलती हैं, अगर उनको पसंद आता है तो वो कर लेते हैं। अच्छा, जो इनमें से जो लोग अमीर होते हैं, जो रिच फैमिली है, ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, जिनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, वो भी ख्वाहिश रखते हैं रिश्ता करने की, तो उनकी किस किस्म की डिमांड आती है? कोई इस तरह की भी डिमांड होती है कि कम उम्र लड़की हो, खूबसूरत हो, कोई इस तरह का होता है कुछ? जी बिल्कुल, जो ज़्यादातर बाहर के हैं जैसे आपने कहा और एज ज़्यादा है, तो उनकी ही डिमांड होती है कि जी यंग लड़की हो, छोटी उम्र की हो, प्यारी हो, समझदार हो, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं और हम उनको उनके हिसाब से रिश्ता दिलवा देते हैं। हमारे पास हर तरह का रिश्ता है, कम उम्र लड़कियों का और थोड़े बड़े बड़ी उम्र की हो जाती हैं खवातीन उनका, लड़कों का, मर्द हजरात का, हमारे पास हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं। मैम इस चीज़ को कैसे टैकल करती हैं कि लड़की कम उम्र हो और लड़के की उम्र ज्यादा हो तो फैमिली एतराज नहीं करती? देखिए जी कोई रिश्ता आता है हमारे पास, ठीक है, फर्ज करें एक खातून आ रही है अपनी बेटी को लेके, जी मुझे ये रिश्ता चाहिए, तो हम उनको सीधी साफ बात करते हैं, हम टेबल टॉक करते हैं कि ये रिश्ता हमारे पास है और अगर ये इनको आपको कबूल है तो आप देख लें, हम उनको हर चीज़ बताते हैं, आदमी की उम्र 60 साल है, फर्ज कर ले 50 साल है, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसका घर है, ये उसका काम है और ये उसकी अदात है, हर चीज़ क्लियर क्लियर होती है, क्रिस्टल क्लियर है,
पसंद आता है करें, नहीं पसंद आता हम उनको अगला प्रपोजल दिखा देते हैं। जैसा कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालातों के अंदर ज्यादातर फैमिलीज और लड़कियों की ख्वाहिश है कि वो ऐसे शख्स से शादी करें जो ओवरसीज हो। ऐसे रिश्ते भी मौजूद हैं आपके पास? बिल्कुल जी, ऐसे रिश्तों की तो भरमार है, जो मुल्की हालात हैं हर बंदा बाहर जाना चाहता है, तो ऐसे तो बहुत सारे रिश्ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हमारी प्रॉपर टीम्स बाहर मौजूद हैं जो 24/7 इसी चीज पर काम करती हैं। रिश्ते वहां से हमें मिलते हैं, हम उनका डाटा निकालते हैं, यहाँ जितने भी मर्द हजरात हैं या जो भी बच्चियां हैं जो भी बेटी हैं उनको जो रिश्ते चाहिए हम उनसे फौरी तौर पर उनका रब्ता करवाते हैं। बीच में हम रहते हैं जब तक रिश्ता हो नहीं जाता, और जब रिश्ता हो जाता है उसके बाद भी हम उनसे टच में रहते हैं, हम पूछते हैं कि जी सब ठीक है, हम हर चीज की गारंटी देते हैं। तो जी मैम बताइएगा कि ऐसे लोग जो माजूर है या मोटापा है, जिनको लड़कों को या लड़कियों को ऐसे रिश्ते भी होते हैं या आप करवाती हैं? जी जो डिसेबल होते हैं उनके तो हम फीसिबिलिटी करवा देते हैं, बाकी भी जो फिजिकली थोड़ा सा फील होता है अनफिट है तो उनके भी हम रिश्ते करवाते हैं, हम करवा देते हैं। अच्छा मैम हमें बताइएगा कि हम ऑलरेडी पहले भी कई इस तरह के इंटरव्यूज कर चुके हैं, मैरिज ब्यूरो के कर चुके हैं, तो कहीं पे भी चले जाए ना, कोई कहता है मेरे पास 5,000 रिश्ते मौजूद हैं, कोई कहता है मेरे पास 10,000 है, आपके पास कितने रिश्ते मौजूद हैं? जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिश्ते हैं, नंबर तो अब मैं आपको फिगर क्या बताऊं, फिगर बताना जरा मुश्किल हो जाता है। देख लेते हैं, एक डिमांड होती है ना जी, हमें गांव की चाहिए, हमें लाहौर की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली जितनी प्रोफाइल्स होती है हम उनको शेयर कर देते हैं। कोशिश करते हैं ऑफिस आए देखें, जो आपको समझ आता है फिर हमें बताते हैं। फिर भी कुछ आइडिया होगा कि कितने रिश्ते अब तक करवा चुकी हैं और कितने आपके पास लिस्ट के अंदर हैं? देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया मैं 10 साल से काम कर रही हूँ, तो हजारों में रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाए हैं, अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है हमारे काम में, बहुत हमारा तेजी से काम हो रहा है, और 90% जो रिश्ते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन रहे हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहा, ये हमारी गारंटी होती है। रिश्ते आप करें, अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल हो तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। जी मैम कोई जो आपके पास मौजूदा रिश्ते मौजूद हैं उनमें से कुछ मुझे कुछ ऑप्शंस दिखा सकती हैं आप? लगता है आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, ये देखिए ये हमारे पास जो सारा आपको डाटा नजर आ रहा है, सारा गिफ्ट फोल्डर है, ये सारा ओवरसीज का, कंट्रीज के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, ये देखिए ये ईरान का है, ये दुबई का है, ये आपको मिल जाएगा कतर और बहरीन के सारे इस्लामी ममालिक है, ये कनाडा का है, ये हमारे पाकिस्तानी का सारा डाटा हमारे पास मौजूद है, सिटी वाइज कंट्री वाइज मैंने सारा जो है वो डाटा रखा है, ये देख सकते हैं आप, देखिए कितनी इसमें प्रोफाइल मौजूद है, ये देखिए सर कोई ये शक। मैम जो आप मुझे दिखा रही हैं ये तो मैम हजारों में लिस्टें बनी हुई हैं और रिश्ते हैं आपके पास? मैं आपको कह रही थी आपको यकीन नहीं आएगा इसलिए मैंने आपको दिखाई, ये आपके सामने सारा डाटा मौजूद है, अब बताएं कोई शक कोई गुंजाइश। नहीं, अब तो नाजरीन बिल्कुल शक नहीं रहा कि मैं आंखों से देख चुका हूँ। इन्होंने बकायदा लिस्टें बनाई हुई हैं मुल्कों के हिसाब से, यूरोप वगैरह, और अपने लोगों की डिमांड के लिहाज से इन्होंने सारा वर्क किया हुआ है। तो जी नाज़रीन रॉयल मैरिज ब्यूरो में हम बैठे हुए हैं और सारी गुफ्तगू उनकी ऑनर की आपने जान ली है। नाज़रीन अगर आप भी चाहते हैं आपका रिश्ता नहीं हो रहा और आप करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप इनसे रابطہ कर सकते हैं और आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी, आपका मसला भी हल हो जाएगा। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।